नमस्कार दोस्तों, आज की वीडियो में आपका स्वागत है। मैं अमित सांबरे और आप देख रहे हैं सर्पमित्र अमित सांबरे यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों, आज हमें एक बहुत ही खतरनाक रेस्क्यू कॉल आया है। तकरीबन पांडुरना से 10 किलोमीटर की दूरी पर हम आए हैं। बाईपास से लगा लगा एक खेत है, वो खेत में कुआँ है, वो कुएँ में एक सांप गिरा हुआ है, ऐसी सूचना हमें एक भैया ने दी है, खेत वाले। वही सूचना को समझते हुए हम वो स्थान पर, सूचना स्थान पर पहुँच चुके हैं। दोस्तों, वीडियो के अंत तक बने रहिए और हमारा वीडियो देखते रहिए। हम जा रहे हैं अभी वही कुएं के पास जिसमें सांप गया हुआ है। वही कुएं के पास में चल के बताते हैं कि कौन सा सांप मिलता है हमें। चलिए वीडियो के अंत तक बने रहिए। तो दोस्तों, यही वो कुआ है जिस कुएं में सांप गिरा हुआ है। यह कुएं तकरीबन 20 फीट का कुआ है। कौन काका? 25 फीट का यह कुआ है। उस कुएं में एक सांप गिरा हुआ दिखा है खेत वालों को। हम वही सांप को रेस्क्यू करने के लिए कुएं के अंदर अभी जाने वाले हैं, उतरने वाले हैं। और वीडियो के साथ बने रहिए, वीडियो में कुछ भी हो सकता है। दोस्तों, अभी हम इसके अंदर उतरने वाले हैं क्योंकि इसके अंदर एक बोगदा बना हुआ है, मतलब जिस एक गड्ढा बना हुआ है, वो गड्ढे के अंदर में सांप चला गया है। हम इसको ऊपर ही ऊपर ना निकलते हुए हम इसके अंदर जाना पड़ेगा मजबूरन। हम वही कुएं के अंदर अभी उतरने वाले हैं। दोस्तों, वीडियो के अंत तक बने रहिए। दोस्तों, कुएं में उतरने के पहले ऐसी सेफ्टी का जरूर ध्यान रखिए क्योंकि यह सेफ्टी हर रेस्क्यूअर को लगती है और मेरे हिसाब से हर रेस्क्यूअर ने ऐसी सेफ्टी रखना चाहिए कुएं में उतरते समय। दोस्तों, हम कुएं में उतरने के लिए तैयार है। हम फिर बहुत सीधे ऐसे जाएंगे कि चिपक के सरा तो काट के तालो तो हां तानवा नहीं लागत इंगल पाइस चल लेते हो तानो तो क्या पकड़ दो रस्सा कालो तालो तानवा नहीं लागत तो तानो तो इकडे ही पडो ओ पर आपले हिसाबाने पकार चल ते गाडी चला जा या इकडे देख बांधा के उधर मत नहीं नहीं उधर टाइट कर लेकिन बांध दो क्या ऐसा ऐसा ले क्या जैसे कि दोस्तों आप देख सकते हो कि अभी हम कुएं में 20 फीट की गहराई पर उतर चुके हैं। अभी हम जहां सांप है वहां जाने की कोशिश कर रहे हैं। तभी भी 5 फीट नीचे अभी और जाना बाकी है और वह सबसे ज़्यादा मुश्किल है क्योंकि यहां की मिट्टी आप देख सकते हो कि हम जहाँ भी कदम रख रहे हैं वह नीचे गिर जा रही है या टूट जा रही है क्योंकि वह कच्ची है, मजबूत नहीं है। कोई डड्डी पे रखो ना भाऊ। इसलिए सबसे ज़्यादा कठिनाई हमको यहाँ दे रही है इस परिस्थिति में। और वो पत्थर को पकड़ लो। हाँ रखो वहाँ। ज़्यादा नहीं छोड़ना, हल्का सा, धीरे, एकदम से मत छोड़ो। अबे भाऊ यार। अरे यार भाऊ, तुम छोड़ो मत यार उनको। वो देखो ना, पानी के ऊपर चले जा रहे हो।
हल्का सा ऊपर रहना अपने को, ऊपर लो ना, ऊपर लो, ऊपर लो, तीन चार जन रहो ना वहाँ पे, तीन चार जने अरे मर चल चंगा। जैसे कि आप देख सकते हो कि जहाँ पे सांप घुसा हुआ है उस स्थान पे हम पहुंच चुके हैं और वहाँ पे एक छोटा सा गड्ढा है जिसके अंदर पूरा का पूरा सांप बैठा हुआ है। हम वही सांप को निकालने की कोशिश कर रहे हैं, उसकी सिर्फ मिडल बॉडी दिख रही है। और यहाँ पे एक रेड स्नेक जो दामन प्रजाति का सांप जो है वो हमने बाहर निकाल लिया है और हमें ऊपर से पकड़ के रखा है चार या पांच लोगों ने। जिस प्रकार से हमने सांप को निकाला है वो अभी बाहर निकल चुका है और अभी पानी की नीचे गया है कुएं के अंदर। अभी मेरे अनुमान से 15 या 20 मिनट वह सांप पानी के बाहर नहीं निकलेगा। अभी हमको ऊपर ही रुकना पड़ेगा और दोबारा नीचे जाने की कोशिश करना पड़ेगा। दिखा क्या भाई तुमको? जैसे कि वो सांप अभी नीचे से ऊपर जिस स्थान पर पहले था उसी स्थान पर जाकर बैठ चुका है। हम वहीं पे डबल जाने की प्रयास कर रहे हैं। वहाँ सांप के पास मत लेके जाओ। अबे यार नहीं है क्या वहाँ? देखो तो हाँ, टांग पकड़ो और दबा लो गप से। काका तुम सिर्फ रस्से पर कंसंट्रेट रखो, आ ही गए वो। दोस्तों ऐसी परिस्थिति में हमने पहले जो सांप पकड़ने की जो हमारी AK-47 जो थी वो हमने नीचे बुला ली है। दोस्तों अभी लगभग 20 मिनट का समय हो चुका है और वो सांप पानी के नीचे से ऊपर आ चुका है, पर वो अपने ऐसे स्थान पर छुपा हुआ है जिस स्थान पर हम हाथ नहीं डाल सकते हैं। सोड़ जानू का काका। अबे गंदल से मशा। अबे भाऊ तू पकड़ून ठाओ। अबे हाँ तू तेले पकड़ून ठाओ। ओ रस्सा काका टाइट खींच। अड़स काका। अबे तू हसू नको भाऊ, तू तिथे कंडेला आहे काका, तुम छोड़ो मत। दोस्तों जिस व्यक्ति ने मुझे पकड़ कर रखा था उस व्यक्तियों के ऊपर गंदिल की मक्खी जो होती है उसने हमला कर चुका है और उनको मक्खियों ने काट लिया है। और आप देख सकते हो कि मैं कहाँ पर लटका हुआ हूँ, देखिए। अच्छा हुआ कि जो मेरा रस्सा था वो रस्सा पेड़ के ऊपर बंधा बांध दिया था, इसलिए मैं पानी के नीचे नहीं गया हूँ। और थोड़ा मेरा बैलेंस भी मैं पकड़ के हूँ इसलिए ठीक है। वीडियो के आगे बने रहिए और देखते हैं कि हमारे साथ में क्या क्या होता है। भैया को काट काट के भरता बना लिया भैया का, अभी तक के सांप पकड़ने। दोस्तों ध्यान से देखिए, यही वो व्यक्ति है जिनके ऊपर गंदिल की मक्खी ने हमला किया है और उनके मुंह पर चार या पांच मक्खियों ने काट लिया है। कैसे चला रहे उसको? नहीं कुछ भी नहीं कर रहा है, वैसे ही शांत हो जाती है 2-5 मिनट में। तो गंदिल की मासी आई कैसे गया हूं? वही पे थी यार। भाई का भरता बना लिया भाई थी। दिखा रहे कल भाई का भरता बनिया थे गंदिल की मासी जब उतरी भाई भागने के लिए। सांप है क्या बहु वही पे? और धीरे खींचना ऊपर इंगल है। हाँ वो पतला वाला रस्सा लेके जाओ काका, क्योंकि मैं तुम्हारे बलबूते पे हूँ। मैं डर रहा हूँ पानी में।
अरे काका वो नीला रास्ता पकड़ो ना। हो गया खींचो 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 काका, धीरे 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 खींचना है, धीरे धीरे, और अधर खींचना, टेकने मत देना ज्यादा। हाँ बहु पैर चिपकाते चल बस। हाँ मैं आ जाऊँ क्या उस साइड, अब सांप लेने। हाँ हल्का हल्का खींचना भाऊ। अरे तुम वापस नहीं गिरना चाहिए साहब। दोस्तों हमने अभी सांप को ऊपर ले लिया है, पर वह सांप अभी नीचे गिर चुका है। अभी हमको फिर डबल नीचे जाना पड़ेगा उस सांप को रेस्क्यू करने के लिए। हाँ नीचे छोड़ो, रुक जाओ, फिर से पानी में गया। रुको एक मिनट, पहले इंगल पे चल जाओ तुम। दोस्तों जैसे कि आप देख सकते हो कि वो सांप हमारे AK-47 से नीचे गिर चुका था। फिर पकड़ना तो हम वही सांप को रेस्क्यू करने के लिए उसके वही स्थान पर पहुंच चुके हैं जहां पर अभी वो छुपा अच्छा, हुआ है। पहले ग्रिप बना लेना भाई टांग की। दोस्तों अभी हमने उसको पकड़ लिया है। हाँ बनाई क्या रमेश भाई, धीरे 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 यार, धीरे धीरे लो, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ धीरे धीरे यार, धीरे 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 लो, कोई दिक्कत नहीं है। अबे तो ये और कैसा ऊपर आएंगे तो? अरे अरे वहाँ मैं हूँ ना, तू ऊपर आ जा। हाँ मैं हूँ, तुम टेंशन क्यों ले रहे? कितना उतर? हाँ तुम पकड़ के रखो। हाँ हाँ लो लो, तुम लो 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 लो, छोड़ना मत ऊपर आने के बाद बहु है, पहले पूरा ऊपर ला लेना उनको। अरे तो रुको तो सही। हाँ रुको, हाँ अधर ऊपर लेना उनको, अधर ले लो। हाँ पीछे से लो, अधर ले लेना, पहले पूरा बैठने दो। हाँ पीछे ले लो पहले पैर। दोस्तों जिस सांप को लोगों ने देखा था एक कुएं में गिरते हुए, वही सांप को हमने कुएं के अंदर से सुरक्षित रेस्क्यू कर बाहर निकाल लिया है। दोस्तों ऐसे वक्त इंसान को बहुत ही ज़्यादा खतरों का सामना करना पड़ता है। जैसे कि दोस्तों आप देख सकते हो कि हमने कुएं के अंदर से बड़ी मशक्कत से तकरीबन 3 घंटे की हमारी मेहनत के हमने इसको बाहर निकाला है कुएं से। आप देख सकते हो यह धामन सांप है, जिसको हिंदी में घोड़ा पचाड़ के नाम से जाना जाता है। अक्सर ऐसे कुएं में जहरीली गैस होती है, जिसके कारण कुएं में उतरने के पहले सबसे पहले सावधानी बरतनी पड़ती है। हमने वही सावधानी को मद्देनजर रखते हुए वो कुएं के नीचे हम उतरे दामन का सुरक्षित रेस्क्यू करने के लिए। आप देख सकते हो तकरीबन 3.5 फीट की यह दामन सांप कुएं में जा गिरी थी। दोस्तों ऐसी हालात में सर्प मित्र को बहुत खतरों से खेलना पड़ता है, तब जाके ऐसे सांप हमारे रेस्क्यू होते हैं और हम सांपों की जान बचा सकते हैं। दोस्तों ऐसे सुरक्षित रेस्क्यू करने के लिए सभी के पास ऐसे इक्विपमेंट्स होने चाहिए, रेस्क्यू इक्विपमेंट्स, जिससे सर्प मित्र और सांपों को कोई हानि ना पहुँचे और सर्प मित्र और सांपों के साथ कोई दुर्घटना ना हो पाए। दोस्तों अभी हम इसको पैक करने के लिए जा रहे हैं, तो वीडियो के अंत तक बने रहिए। यह बहुत ही सुंदर सा यह सांप है, जिसको हिंदी में घोड़ा पचाड़ के नाम से जाना जाता है। इसका इंग्लिश में नाम इंडियन रेड स्नेक करके है, इसका साइंटिफिक नेम टैस मुकोसा करके है।
अभी हम इसको सुरक्षित रेस्क्यू कर इसका जंगल में जाकर सुरक्षित रिलीज कर देंगे। दोस्तों हम अभी इसको पैक करने जा रहे हैं। तकरीबन 3 घंटे की मशक्कत हमें कुएं के अंदर रहना पड़ा है, तब जाके यह सांप रेस्क्यू हुआ है। वीडियो देख गलती ऐसी बिल्कुल भी ना कीजिए, क्योंकि यह जानलेवा हो सकता है और यह सिर्फ एक्सपर्ट का काम है। बहुत से रेस्क्यूअर वीडियो देख के गलती कर देते हैं और फिर अपने जान से हाथ गवा बैठते हैं। दोस्तों आपको बता दूं कि धामन सांप में जहर तो नहीं होता, पर इसमें एक बैक्टीरिया होता है जो इंसानों को स्किन इन्फेक्शन होने से खतरा हो सकता है। तो दोस्तों वीडियो अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।